अपने घर तो सरेंडर करने के लिए कोर्ट के जा रहे ने और कड़े सुरक्षा प्रबंधों के नवजोत सिंह सिद्धू नूं इत्थों ले जाया जा रहा है और यादविंदरा कलोनी के कोठी के मौजूद नवजोत सिंह सिद्धू की कोठी के बाहर दियां तस्वीरां तुहानूं असीं दिखा रहे हैं जिथों हुण नवजोत सिंह सिद्धू ब्लू कलर का कुर्ता पजामा पा के बैठे हुए हैं। नवतेज सिंह चीमा उन्हां दी गड्डी चला रहे हैं और हुण सीधा इत्थों कोर्ट जाणगे और कोर्ट के जाके नवजोत सिंह सिद्धू के वलों सरेंडर किया जाना और सवेर दी क्यास रहियां चल रही सन कि शायद क्यूरेटिव पटीशन की वेट कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू, शायद मैडिकल ग्राउंड के उपर उन्होंने कोई राहत मिले, पर अजिहा कुछ भी नहीं होया और फाइनली हुण अपने घर के उपरों विचों रवाना हो चुके हैं और नवतेज सिंह चीमा गड्डी चला रहे हैं। हाजर सिंह मानशाहिया और होर भी जिहड़े साबका विधायक ने हरदयाल कंबोज ते होर भी जिन्ने जिहड़े साबका उन्होंने साथी ने हमेशा नाल रहे सी साबका कांग्रेस के MLA वह उन्हां दी गड्डी दे विच मौजूद ने और फाइनली नवजोत सिंह सिद्धू हुण सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 1 साल की उन्होंने कैद की सज़ा हुई है, उस दे प्रोटोकॉल के तहत हुण सरेंडर करनगे CGM कोर्ट के पटियाला दे विच और उस तो बाद उन्होंने पुलिस कस्टडी के सरकारी वाहन के जा रहे हैं अपने परसनल निजी वाहन के, पर इस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू नूं सरकारी गड्डी दे विच जदों ओह CGM कोर्ट के अपने आप नूं सरेंडर कर देणगे तां उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू नूं 1 साल की जिहड़ी कैद हुई है उस मुतलक उन्हां नूं जेल के भेजा जाना। तो नवजोत सिंह सिद्धू वालों इतों अपने कोठी तो रवाना हो चुके हैं और फिलहाल कड़े सुरक्षा के नवजोत सिंह सिद्धू नूं इतों ले जाया जा रहा और हुण इतों नवजोत सिंह सिद्धू सीधा CGM कोर्ट के सरेंडर करनगे, उत्थे जज साहब के अगे पेश होणगे, अपने आप नूं सरेंडर करनगे और उस तो बाद CGM कोर्ट तो बाद उन्हां नूं अगे पुलिस कस्टडी दे पटियाला की जेल भेजा जाएगा। तो कह सकते जी 1 साल की सुप्रीम कोर्ट के वाहन दे विच आके उन्हां नूं पटियाला मौन योग जिहड़ा अदालत का फैसला वह सिर मथे परवान है और उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत के फैसले के उपर और कुछ भी नहीं, वह इसका सत्कार करते हैं और सवेरे जी गल बनी सी कह रहा जा रहा है कि जी क्यूरेटिव अपील की गल की जाए या फिर क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का पिछले जो ऑपरेशन भी होया और लगातार उन्होंने मैडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्होंने लीवर च भी दिक्कत आ रही थी, तो अजिहिया गलों का चल रहा है कि शायद उन्होंने वकील के वलों मैडिकल ग्राउंड के आधार के उपर जिहड़ी राहत लैण की कोशिश की जाए, कुछ हफ्तियां दा कुछ दिनों का टाइम लैण की गल होवे, कुछ समा मिले उन्होंने, पर अजिहा कुछ भी नहीं होया क्योंकि अज सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की जिहड़ी रिटायरमेंट के चलते उत्थे प्रोग्राम से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उत्थे पहुंचे हुए सी, तां उस करके जिहड़ी अपील सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे कोल नहीं पहुंच पाई नवजोत सिंह सिद्धू जी, तो काफ़ी घंटे वेट करने तो बाद करीब सारा दिन सारा दोपहर वेट करने तो बाद हुण फाइनली नवजोत सिंह सिद्धू टाइम करीब पौने चार बजे अपने घर तो नवजोत सिंह सिद्धू निकले ने और असी पिछे फॉलो कर रहे ABP सांझा टीम फॉलो कर रही और देखते कि सीधा हुण अदालत दे विच जांदे ने कोर्ट दे विच जांदे ने, कोई खुद नवजोत सिंह सिद्धू हुण सरेंडर करनगे खुद नूं और हुण उन्हां कोल होर कोई ऑप्शन नहीं बचे और उस तो बाद जिदा ही जज साहब के सामने पेश होंगे अकॉर्डिंग टू जिहड़ा डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तां उस तो बाद उन्हां नूं पुलिस कस्टडी दे विच दे दिता जाएगा जिथों प्रोटोकॉल के तहत नवजोत सिंह सिद्धू नूं सरकारी वाहन के बिठा के वह अदालत के CGM कोर्ट के जिहड़ा जेल तक का सफर आ वह प्रशासन की कस्टडी के और सरकारी वाहन के बिठा के उन्हां नूं उत्थों ले जाया जाएगा। तो
चंद मिनटों बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू कोर्ट के पहुंच जाएंगे, सीजीएम कोर्ट पहुंचे, उत्थे भी लगातार एबीपी सांझा की टीम बनी हुई है। पल पल की अपडेट तुहानू देवांगे, पर इस वेले जिहड़ा यादविंद्रा कलोनी तो निकल के नवजोत सिंह सिद्धू सीधा शेरां वाले गेट तो हुंदे हुए सीजीएम कोर्ट, यानी कि जिहड़ा रोड जा रहा फुआरा चौंक तो काली माता मंदिर का जिहड़ा रोड जा रहा सीधा कोर्ट कंपलैक्स नूं, उस रोड नूं उस रूट नूं फॉलो करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू जा रहे ने सीजीएम कोर्ट। सीजीएम कोर्ट के हाजिरी लवाउण तों बाद तुरंत उन्हां नूं पुलिस कस्टडी के दे के उन्हां नूं उत्थों शिफ्ट किया जाना पटियाला की जेल के, एक साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू 1988 के रोड रेज केस के हुई है और 34 साल के बाद जिहड़ा फैसला है। उस तो पहला 1000 रुपया नवजोत सिंह सिद्धू जुर्माना होया सी और उन्होंने इस मामले के बरी कर दिता गया सी, पर उस तो बाद पीड़ित परिवार के वालों रिव्यू पटीशन पाई गई सी, कई तत्थों का आधार दिता गया सी, जिस तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस फैसले नूं गौरिया और उस तो बाद फैसला बीती जिहड़ी कल सी जाने कि 19 तरीक नूं आया फैसला, उह नवजोत सिंह सिद्धू दे लई इक टेंशन भरिया फैसला सी क्योंकि एक साल की सजा सुप्रीम कोर्ट के वालों तय कर दी गई सी नवजोत सिंह सिद्धू नूं उस रोड रेज मामले के विचों। ठीक तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे जिहड़ा इह चौंक आ रहा, जिहड़ा सामने तुसीं चौंक दे रहे हो यही शेरां वाला चौंक, और इत्थे ही जिहड़ी रोड रेज की घटना वापरी सी और इत्थे ही जिहड़ी गुरनाम सिंह दे नाल हत्थों पाई हुई सी, जिहड़े शख्स की बाद दे विच मौत हो गई सी, जिहड़ियां सामने तुसीं लाइटां देख रहे हो, जिहड़ा इह चौंक देख रहे हो शेरां वाला गेट दे सामने चौंक आ, इसे चौंक की उह सन 1988 की घटना सी जिस दे चलदे नवजोत सिंह सिद्धू नूं 34 साल के बाद अज सजा हुई है और यही वो थां पटियाला शहर की शेरांवाला गेट के सामने, और ठीक दूसरे पासे काली माता का मंदिर, और इसे पॉइंट के उपर इसे चौंक के 1988 के नवजोत सिंह सिद्धू का रोड रेज मामले में लैके जिहड़ा झगड़ा होया सी, और उस झगड़े के काफ़ी हत्थों पाई हुई सी और गुरनाम सिंह के काफ़ी सट्टा लगिया सी उस वेले दे जिहड़े पीड़ित सी और जिन्हां दी बाद दे विच मौत हो गई सी, और उन्हां दे परिवार के वल्लों लगातार जिहड़ा उह अदालत का रुख किया गया सी, काफ़ी लंबा समा वेट करना पिया सी, और कल जिस तरीके दे नाल फैसला आया तो पीड़ित परिवार ने भी कहा कि देर नाल ही सही पर उन्होंने जिहड़ी राहत मिली आ उन्होंने मन नूं तसली हुई है कि कानून वाकया ही कोई अपने थां दे उपर सही है और उन्होंने फाइनली इंसाफ मिले। और तस्वीर तुहानूं असीं दिखा रहे हैं पटियाला शहर के उस चौंक दियां जिथे का यह मामला 1988 दे विच जिथे यह पूरी घटना हुई सी और जिसके चलते अज नवजोत सिंह सिद्धू नूं जेल जाना पै रहा है और हुण एक साल की जिहड़ी सज़ा वह नवजोत सिंह सिद्धू जेल दे विच पूरी करनगे।